मोहम्मद शमी को बीसीसीआई ने दिया बहुत बड़ा झटका। बीसीसीआई के सालाना कॉन्ट्रैक्ट से शमी हुए बाहर। पत्नी के गंभीर आरोपों के बाद बीसीसीआई ने लिया फैसला। बीसीसीआई के फैसले से खतरे में शमी का क्रिकेट करियर। भारतीय टीम से बाहर हो सकते हैं मोहम्मद शमी। शमी के आईपीएल 11 में खेलने पर भी संकट मंडराया। शमी को सालाना 5 से 8 करोड़ रुपए का नुकसान। क्या टीम इंडिया की जर्सी में नहीं दिखेंगे शमी? शमी का क्रिकेट करियर खत्म। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आज खुद एक बहुत बड़े बाउंसर का सामना करना पड़ा है और जो आरोप उनके ऊपर लगाए हैं वो बेहद गंभीर आरोप उनकी पत्नी ने लगाए हैं और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद शमी का क्रिकेट करियर खत्म हो चुका है। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीसीसीआई ने शमी को अपने सालाना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। उनकी पत्नी के गंभीर आरोपों के बाद बीसीसीआई ने वो फैसला ले लिया जिससे अब शमी के लिए भारतीय टीम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। पत्नी के साथ विवाद में फंसे क्रिकेटर शमी को बड़ा झटका। बीसीसीआई ने शमी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भटका। आईपीएल से भी शमी हो सकते हैं बाहर। क्या शमी का क्रिकेट करियर हुआ ओवर? बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी ने एबीपी न्यूज को खबर दी है कि शमी की पत्नी के साथ हुआ विवाह काफी बड़ा है। बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा, पूरे मामले को हम गंभीरता से ले रहे हैं। पूरे मामले में कोई स्पष्टता नहीं है, इसीलिए उन्हें बाहर किया गया है। शमी की पत्नी ने उन पर क्या आरोप लगाए हैं आपको बताएं, लेकिन सबसे पहले देखिए कि अब शमी का आगे क्या होगा। बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने के बाद शमी को सालाना कॉन्ट्रैक्ट का पैसा नहीं मिलेगा। शमी को इससे 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अगर आईपीएल से बाहर हुए तो 3 करोड़ का और नुकसान होगा। कॉन्ट्रैक्ट में ना होने का मतलब टीम इंडिया में चयन बेहद मुश्किल है। शमी की पत्नी ने उन पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। ऐसे आरोप जो साबित हो गए तो शमी का क्रिकेट करियर खत्म हो सकता है। पहला आरोप, शमी के महिलाओं के साथ अवैध संबंध है। दूसरा आरोप, शमी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। तीसरा आरोप, शमी के परिवार ने उन्हें मारने की कोशिश की। बहुत टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर इतना किया। उसके बाद ये एविडेंस, इसके बाद दुबई में आके, साउथ अफ्रीका से दुबई में आके रहना, होटल बुक करना, लड़की को बुलाना, उसके साथ रूम शेयर करना, उसके साथ सेक्स करना, ये सब सारे प्रूफ देखकर, और उसके बाद भी मैंने अपने आप को बैलेंस में रखा, पेशेंस में रखा और मैंने शमी से ये पूछा कि ये क्या है। तो वो झूठ पे झूठ बोलता गया, ऊपर से मुझे ठेठ देता गया कि तुम अपनी ज़िंदगी बिगाड़ोगी, तुम अपनी ज़िंदगी जहन्नुम करोगी, अभी भी जिस लायक रह रही थी उससे भी बदतर ज़िंदगी बनेगा तुम्हारा। आरोप लगते ही शमी ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दे दी। इन आरोपों पर शमी ने सफाई दी है। जितनी भी खबरें हमारी निजी जिंदगी के बारे में चल रही हैं, ये सब सरासर झूठ है। हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। मुझे बदनाम करने और मेरा खेल खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये सरासर झूठ है। बिल्कुल ठेस लगती है एक प्लेयर को जो देश के लिए लड़ने का जज्बा रखता है, उसको अगर ऐसे निकाल दिया जाए, इज्जत और मान से निकलना चाहिए। लेकिन अगर हो गया, फिर भी मैं कहूँगा कि शमी के पास बहुत है क्रिकेट खेलने के लिए। अपना हौसला बरकरार रखना चाहिए और लड़ने का जज्बा होना चाहिए, लड़ने का ग्राउंड के अंदर, मैदान के अंदर, जितना भी क्रिकेट जहाँ भी मिले। हमारे समय में बहुत ऐसे प्लेयर थे जिनको बाहर निकालते थे, रन बनाते थे, विकेटें लेते थे, वापसी करते थे। तो उम्मीद करते हैं कि इस नौजवान लड़के के पास बहुत जोश है, काबिलियत है और ये बाउंस बैक करेगा, क्योंकि छोड़ने वाला नहीं है ये लड़का, क्योंकि इसमें वो लड़ने का जज्बा है। खबरें तो ये भी है कि शमी की पत्नी जल्द ही कोर्ट में उनके खिलाफ केस करने वाली है, जिसके बाद शमी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो मोहम्मद शमी को बहुत बड़ा झटका लगा और दिबांग जो प्रशंसक है मोहम्मद शमी के और क्रिकेट के, उनके लिए भी आज की जो खबर थी ये बहुत हैरान करने वाली थी। लेकिन बिना मोहम्मद शमी का पक्ष सुने बीसीसीआई ने जो फैसला लिया है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोहम्मद शमी ने अपनी बात रखी है कुछ ये कि भाई ये सारा हमारे खिलाफ साजिश है, पर अगर आप उनकी पत्नी को सुने तो वो तो उनको बहुत साफ है, बहुत साफ अपनी बात कर रही हैं। और एक नेचुरल जस्टिस की बात करें तो दूसरे पक्ष को ज़रूर सुना जाना चाहिए, लेकिन
अगर आप क्रिकेटर हैं, भारत के लिए खेलते हैं, तो हजारों युवा आपको फॉलो करते हैं, आप एक तरीके से रोल मॉडल होते हैं, उस हालत में आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपकी पत्नी आपके बारे में ऐसा कह रही है, यानी मुझे उदाहरण याद आ रहे हैं टाइगर वुड्स के, शेन वॉन के, मारिया शारापोवा के, वो बड़े खिलाड़ी जिन पर आरोप लगे, जिस तरह से शमी पर लगे उस तरह के आरोप, मारिया ड्रग्स के आरोप, और किस तरह से उनके कॉन्ट्रैक्ट करोड़ों रुपये के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुए। तो अगर आप खिलाड़ी हैं तो आप पर बहुत जिम्मेदारी और भी बनती है खेल के अलावा, और वो ये है कि आप इस तरह की चीज़ों में अगर आप फंसते हैं, आप कोर्ट में फैसला होगा होगा, लेकिन टीम के लिए, भारतीय टीम के लिए, बाकी खिलाड़ियों के लिए, मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत बात है और इससे पूरी बचने की कोशिश होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से शमी को सबसे पहले तो अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए और समझना चाहिए कि भाई क्या मामला क्या है। हाँ बिल्कुल, वो साजिश की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए अगर देखा जाए तो बीसीसीआई ने जो उनके कॉन्ट्रैक्ट से उनको बाहर कर दिया है सालाना फीस का, और इसके साथ ही अगर आईपीएल से भी बाहर हो जाते हैं तो कुल 8 करोड़ की चपत उनको लगेगी, और जो इज्जत पर बट्टा लगा वो अलग से। लेकिन ये पूरा मामला सामने आया कैसे, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट टीम के बेहद चर्चित चेहरे, लेकिन आज ये नाम शादी के बाद पाकिस्तानी लड़की से अवैध रिश्ते की वजह से चर्चा में है। और ये आरोप हम नहीं बल्कि खुद उनकी पत्नी हसीन जहान ने लगाए हैं, वो भी सबूतों के साथ। शमी पिछले कई सालों से अपनी पत्नी को चीट कर रहे थे, ऐसा उनकी पत्नी का कहना है, लेकिन उनकी एक गलती ने उनकी पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। मोहम्मद शमी के कुकर्म के सारे राज इस BMW गाड़ी में छिपे हैं। यही वो गाड़ी है जिससे मिले सबूतों ने हसीन जहां के शक को पूरे यकीन में बदल दिया। हसीन जहां की माने तो शादी के बाद भी शमी के कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध थे, और इन अवैध संबंधों से पर्दा तब उठा जब शमी की इस गाड़ी की चाबी उनकी पत्नी के हाथ लगी। BMW कार से जो मिला वो तो बस एक छोटी सी कड़ी थी। हसीन जहान की माने तो शमी के काले कारनामों से असली पर्दा उनके फोन ने उठाया, वो फोन जिसके बारे में उनकी पत्नी भी नहीं जानती थी। फोन टा आमी सर्विस सेंटरे निये गेलाम, ओटाते पैटर्न लॉक छिलो, सेटा तो आमार खोला सम्भव छिलो ना, की करे पैटर्न लॉक करेछे। तखन सर्विस सेंटरे बोललो जे एइटा जदि आपनी सफ्टवेयर मेरे पैटर्नटा जदि खुलते जान ताहले किन्तु आपनार समस्त एविडेंस जत डकुमेंट्स सब उड़े जाबे, आपनार डाटाटाई उड़े जाबे, किच्छु थाकबे ना। आमी बोललाम ताहले छेड़े दाओ, तोमाके एटा करते हबे ना। আমি তিন দিন ধরে ওইটাকে প্যাটার্নটাকে ট্রাই করেই গেলাম অ্যাট লাস্ট আমি সাকসেস হলাম ওইটা করতে। যখন এটা সাকসেস হয় তখন রাত্রি 11টা বাজে। হাসিন জাহান কা আরোপ হে কি মোহাম্মদ শমি কা না সিরফ পাকিস্তানি লড়কিও সে অবৈধ সম্বন্ধ হে বল্কি দূসরি লড়কিও কে সাথ ভি উনকে নাজায়েজ সম্বন্ধ হে। হাসিন জাহান কা আরোপ হে কি অবৈধ সম্বন্ধো কো উজাগর করনে কে বাদ শমি কি তরফ সে উনহে লাগাতার ধমকিয়া ভি মিল রহি হে। तो ये पूरा मामला आपने देखा दिबांग, तो ये क्या कहा जाए, मतलब मोहम्मद शमी का क्रिकेट करियर यहीं पर खत्म? जी हाँ बिल्कुल, अब इसके बाद अब क्या क्रिकेट खेलेंगे। और जो देखिए कितने संगीन आरोप उनकी पत्नी लगा रही हैं, और ऐसा नहीं है कोई पत्नी बिना सबूत के, बिना किसी बात के अपने पति के खिलाफ, जो इतना सक्सेसफुल पति हो, उसके खिलाफ इस तरह के आरोप लगाएगी, ये समझने वाली बात है। और दूसरी एक बड़ी अगर तस्वीर देखना चाहें, बड़ी बात अगर समझना चाहें, अमरोहा से आते हैं, छोटा सा शहर जहां पर गाड़ी तक उनके घर तक नहीं जाती है, ऐसे इलाके से आते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आपका नाम होता है, आपको पैसा मिलता है, आपको शोहरत मिलती है, आपको सफलता मिलती है, आपके पाँव एक तरीके से ज़मीन पर टिकते नहीं हैं, चकाचौंध हो जाती है आपकी आंखें। उसमें टेक्नोलॉजी है, उसमें आप जिन महिलाओं की तस्वीरें सिर्फ टीवी पे देखते होंगे, अखबारों में देखते होंगे, वो आपके सामने खड़ी हुई हैं, आपसे हर किस्म की बातें कर रही हैं, आप कैसे कंट्रोल रखेंगे अपने ऊपर, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या इसके लिए आपके पास कोई ट्रेनिंग है? दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ छोटे इलाकों से, छोटे शहरों से आए हुए लोग आगे कैसे भटक जाते हैं। मेरे ख्याल से एक
चीज़, अगर सामाजिक चीज़ आप देखना चाहें तो ये उसमें ये भी है नेहा, और ये भी एक जरूरी इसका पक्ष है। बिल्कुल, और आप जब देश के लिए खेलते हैं तो अपने से ज्यादा देश की साख जो होती है वो दाव पर लगी होती है, और शायद दिबांग यही वजह है कि बीसीसीआई ने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि कॉन्ट्रैक्ट से ही मोहम्मद शमी का नाम बाहर कर दिया, और अपनी पत्नी के आरोपों के चलते अब उनके लिए जो आगे की राह है वो काफी मुश्किल होने वाली है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।